रेलवे सुरक्षा बल द्वारा टिकट दलालों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। इसी तरह पर्सनल यूजर आईडी पर टिकट बनाकर 100 से 200 रुपए कमीशन वसूलने वाले अवैध टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम नीमखेड़ा निवासी आशीष दशरथ महादुले बताया गया है। उसके पास से 73,219 रुपए की 44 टिकटें जब्त की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर आरपीएफ सीआईबी की पीआई सुधीर मिश्रा और नागपुर स्टेशन थाना इंचार्ज पीआई आरएल मीना के मार्गदर्शन में एपीआई मनोज धायगुड़े, आरके यादव, मनोज काकर, आनंद करवाड़े, अनिस खान और रितेश ठंके ने नीमखेड़ा स्थित लक्ष्मी मोबाइल शॉपी पर छापेमारी की। दुकान में आशीष ही बैठा था। आरपीएफ टीम ने आशीष से ट्रेन बुकिंग की बात पूछी तो पहले तो उसने बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ देर में ही सारा सच उगल गया। उसने बताया कि वह टूर पैकेज, मनी ट्रांसफर, एयर टिकट बुकिंग, बस बुकिंग, रेल, ई टिकट बुकिंग का कार्य करता है। रेल आरक्षित ई टिकट के बारे में पूछताछ करने पर 11% यूजर आईडी की जानकारी दी। उसने स्वीकार किया कि वह आईटीसी की वेबसाइट पर खुद की बनाई गई पर्सनल यूजर आईडी से रेल आरक्षण की टिकट बुक करता है। इसके लिए वह यात्री से 100 से 200 रुपए का कमीशन वसूलता है। दिनांक 12/3/2021 को नीमखेड़ा में एक मोबाइल शॉपी दुकान पे एक व्यक्ति नाम आशीष दशरथ महादुले रेलवे ई टिकटों का अवैध व्यापार करता है, जिसके पास से 44 नग ई टिकट और एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। सर, ये पहले से यही काम धंधा करता है, इसके ऊपर पहले भी कार्रवाई हुई थी क्या? नहीं, इसके ऊपर पहली बार कार्रवाई हुई है। ये मोबाइल की दुकान चलाता है, उसी बीच में ये रेलवे टिकटों का भी उसी समय उसके साथ व्यापार करता है, जिसके पास रेलवे का कोई लाइसेंस नहीं है। इसके ऊपर रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत कार्रवाई की गई है और इसके ऊपर सर्विलेंस रखा जाएगा। अगर फिर से इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ़ फिर से कार्रवाई की जाएगी। वैसे उसके खिलाफ अभी केस रजिस्टर करके उसको कोर्ट तक पहुँचाया गया है। उसके पास से और लैपटॉप की जांच करने पर 44 आरक्षित टिकटें मिली, जिसकी कुल कीमत 73,219 रुपए थी। उसकी दुकान से इन ई टिकटों के अलावा लैपटॉप और मोबाइल समेत कुल 1,09,219 रुपए का माल जब्त किया गया। उसे हिरासत में लेकर रेलवे एक्ट के तहत टिकट दलाली का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे के मार्गदर्शन में पूरी की गयी। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।